नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके हाथ में यदि कहीं कमल का चिन्ह हो तो उसका प्रभाव क्या रहता है। हाथ में मोस्टली जो कमल का चिन्ह पाया जाता है, ये क्या देखते हैं कि त्रिदल वाला कमल होता है। तीन दल वाला कमल आमतौर पर हाथों में पाया जाता है, और हालांकि ये भी कम ही हाथों में पाया जाता है, लेकिन कुछ हाथों में पांच दल वाला कमल होता है, पांच पंखुड़ियों वाला कमल पाया जाता है। तो निश्चित बात है कि पंखुड़ियाँ बढ़ने पर इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से यदि आपको पांच पंखुड़ियों वाला कमल दिखाई दे तो इसका प्रभाव और भी अधिक अच्छा होता है। एक और ध्यान दीजिएगा कि कमल की जहाँ हम बात करते हैं, तो यह कमल जितना अधिक स्पष्ट बना होगा, जितना साफ सुथरा बना होगा, इसका प्रभाव उतना अधिक दिखाई देगा। अब कमल में हमें तीन चीजें ध्यान देनी। एक, कमल चिन्ह है कहाँ, दूसरा इसकी बनावट कैसी है, और तीसरा ये जिस पर्वत पर है वो शुभ है या अशुभ है। इसे वरुण देव का भी प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए इसे वरुण चिन्ह भी कहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि लक्ष्मी को, धन को कमल से देखा जाता है, प्राचीन शास्त्रों में कमल को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, इसलिए कमल का हाथ में दिखाई देना धन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र ग्रंथों में कमल को धन के रूप में एक तरह से दर्शाया गया है। तो अगर हम देखते हैं कि मछली का जो चिन्ह है उसका जो लाभ रहता है, उससे अधिक लाभ होता है शंख के चिन्ह का, और शंख से भी अधिक लाभ होता है पद्म के चिन्ह का। तो यदि आपको पद्म किसी हाथ में दिखाई देता है तो वो बहुत शुभ है। हालांकि शंख जो है वो विशेष रूप से धन की दृष्टि से तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम बात करें किसी व्यक्ति के हाथ में आपको चंद्रमा के ऊपर कमल का चिन्ह दिखाई दे, तो यदि किसी के चंद्र पर्वत पर आपको कमल का चिन्ह दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से कमल बनता हुआ प्रतीत होता है, आपको लगता है कि बिल्कुल हाँ कमल ही बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में चंद्र पर्वत पर कमल विशेष प्रसिद्धि, विशेष उन्नति का कारक माना जाता है। यदि यह ऊर्ध्व चंद्रमा पर है तो यह चमत्कारी रूप से अच्छा माना जाता है। मोस्टली क्या देखा जाता है कि यह बहुत ही नामी प्रसिद्ध धनी और महान लोगों के हाथों में पाया जाता है। ऐसे लोग उच्च अधिकारी होते हैं, धन के बारे में बहुत अधिक धनी होते हैं, लेकिन धनी का मामला सिर्फ नहीं है, इनको अपार प्रसिद्धि भी मिलती है, ऐसा प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। कुछ विद्वानों ने इसके बारे में बहुत चर्चा की। यदि निम्न चंद्रमा पर, नीचे वाले चंद्रमा पर कमल चिन्ह पाया जाए, तो यहाँ व्यक्ति धनी तो होता ही है, साथ साथ एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कल्पनाकार, एक अच्छा वक्ता भी होता है, उसकी शैली बहुत कमाल की होती है, तो ये विशेष रूप से शुभ चिन्ह माना गया है चंद्रमा पर। तो यदि किसी व्यक्ति के चंद्रमा दबा हुआ है, अब चंद्रमा दबा होने पर अशुभ चंद्रमा है, दबा मतलब अशुभ चंद्रमा है, यदि आपका अशुभ चंद्रमा हो, बहुत ही अशुभ स्थिति में चंद्रमा हो और उस पर कमल का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति धनी तो होता है लेकिन उसमें कल्पनाशीलता बहुत होती है। चंद्रमा के अशुभ गुणों के साथ ये चिन्ह जो है बहुत ज़्यादा विशेष फल नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में कमल होने पर भी वो व्यक्ति सामान्य सा ही होगा। हाँ, थोड़ा पैसा उसके पास तो होगा, अच्छा ये तो बात है। अगर हम किसी के केतु क्षेत्र पर, यहाँ पर केतु क्षेत्र पर आप किसी के कमल चिन्ह देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पर यदि किसी के कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कमल का चिन्ह विशेष रूप से बचपन में बहुत सुखी ऐसा व्यक्ति रहता है। यदि ये बड़े होने पर आपके हाथ में बना है तो यह आपकी अद्भुत आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है। यह विशेष रूप से एक बड़ा ही सुखद चिन्ह माना गया है केतु पर, क्योंकि यह आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है, धन संग्रह को बढ़ा देता है, और जैसा केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह का फल होता है, ठीक उसी प्रकार का चिन्ह यहाँ पर कमल का चिन्ह होने पर भी होगा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छा होगा। अगर केतु बहुत अशुभ स्थिति में है और उस पर पद्म का चिन्ह है, उस पर आपको पुष्प कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ऐसे व्यक्ति को बहुत
बहुत चिंतक बुद्धि का होगा, बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी, हाइपरटेंशन की समस्या रहेगी और धन संग्रह करने में बहुत ज़्यादा रुचि होने से धन खर्च करने की समस्या आ जाएगी। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव का नहीं होगा। यदि हम किसी व्यक्ति के चंद्रमा शुक्र पर कमल का चिन्ह देखते हैं तो शुक्र पर जो कमल का चिन्ह रहता है ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्र पर जब कमल का चिन्ह हम किसी के देखें तो हम क्या पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कला में निपुण होता है, शुक्र के सभी गुण उसमें बढ़ जाते हैं, स्त्रियां उसकी ओर बहुत तेज़ी से, या पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष उसकी ओर तेज़ी से आकर्षित होते हैं, उसके आसपास लोगों की भीड़ होती है और आकर्षण कमाल का होता है उस व्यक्ति में। हर व्यक्ति उसकी ओर देखकर आकर्षित होता है, उसकी ओर उसे बात करने को लालायित रहता है। और ऐसे व्यक्ति अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने आप को सुंदर बनावट जो है ना उसकी हमेशा सुंदर रखते हैं, शरीर की बनावट पर भी बहुत विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो ये जो है ये शुभ भी है, उन्नति कारक भी है। किसी अभिनेता, किसी संगीतकार या किसी अगर हम बात करें कि मॉडल या किसी ऐसे कपड़े का डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति के हाथ में ऐसा हो तो वो विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेगा निश्चित रूप से। हालांकि शुक्र के संबंध में जहाँ भी इसका ये चिन्ह होगा, यदि शुक्र पर हो तो भी ऐसा व्यक्ति धनी तो होगा ही। एक साथ साथ क्या होगा, शुक्र पर यदि आपको कमल का चिन्ह दिखाई दे तो वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहने का एक संकेत ये बन जाता है। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल के पर्वत पर कमल का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति में साहस बहुत अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति यदि सेना में है तो बहुत उच्च पद तक पहुंचता है। तो ये सेना के द्वारा ही एक तरह से धनी हो जाता है, बहुत उच्च पद प्राप्त करता है, विशेष रूप से उन्नति इसको यहाँ पद्म चिन्ह होने पर मिलती है। तो ये विशेष ख्याति का प्रतीक भी है। यदि ऐसा व्यक्ति सेना में नहीं है और भूमि के संबंध में काम करता है तो जो भी भूमि खरीद लेता है उसमें से उसे बहुत पैसा मिलने लगता है। भूमि के कार्यों के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। अगर आपको दिखाई दे किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर यहाँ कमल का चिन्ह, तो बृहस्पति पर यदि कमल का चिन्ह दिखाई दे तो ये तो विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि यहाँ कमल का चिन्ह होने पर ऐसा व्यक्ति महान धार्मिक या राजनेता बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि बहुत अद्भुत होती है। ऐसा व्यक्ति यदि धर्म में है तो भी उच्च पद पर होगा, यदि राजनीति में है तो भी उच्च पद पर होगा। एक बड़े नेताओं के हाथ में या बहुत अद्भुत किसी धार्मिक अभिलक्षण के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो ये जहाँ धार्मिकता को बढ़ा देगा, नेतृत्व शैली को बढ़ा देगा, जहाँ आपकी दयालुता को बढ़ा देगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव का भी होगा, उसका नेचर बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत आइडल नेचर का होगा। तो हर तरह से ये बहुत ही विशेष रूप से शुभ चिन्ह एक तरह से देखने में आता है। यदि हम बात करें किसी के शनि के पर्वत पर यहाँ चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति जहाँ स्वभाव से बहुत अच्छा होता है, मिलनसार होता है, धनी होता है, ये चंद्र शनि पर जो कमल है ये धन के रूप में तो विशेष रूप से बढ़िया है। ऐसा आदमी बड़ा कारोबारी होता है, उसका कारोबार बहुत बड़ा होता है। और यदि ऐसा आदमी सिर्फ सन्यासी हो तो वो महान वास्तविक संत होता है, उसमें बहुत अद्भुत क्षमताएं देखने में आती हैं और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर उपलब्ध हो सकता है। जिसके बृहस्पति या शनि पर कमल का चिन्ह दिखाई दे और वह धार्मिकता में जुड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि रजस प्रधान शनि होता है, रजस प्रधान शनि पर यदि कमल होगा, रजस प्रधान बृहस्पति पर यदि कमल का चिन्ह होगा तो ऐसा व्यक्ति केवल भौतिक सुख ही एकत्रित कर पाएगा और आध्यात्मिकता तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रजोगुण प्रधान है। यदि सत्वगुण प्रधान होगा तो वो सात्विकता की ओर जाएगा, फिर वो संसार में बहुत काम नहीं करेगा। यानी कि अगर सत्वगुण प्रधान बृहस्पति है तो यह एक आध्यात्मिक संत हो जाएगा, एक धर्मगुरु हो जाएगा। यदि यहाँ पर है सत्वगुण प्रधान है तो ये योगी हो जाएगा, महान योगी हो जाएगा। लेकिन यदि यही आपको रजोगुण प्रधान शनि पर दिखाई दे तो रजगुण प्रधान शनि पर क्या होगा, रजगुण प्रधान शनि पर यदि आपको पद्म का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा कारोबारी होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाला स्वयं बनेगा और बहुत धनी होगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं होता। लेकिन यदि
तमोगुण प्रधान पर हो तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा बातचीत नहीं करता है लोगों से, बहुत मिलनसार नहीं होता है। धनी होता है किंतु उसका धन लोगों के लिए काम नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा अहमी और अहंकारी हो जाता है। यदि बृहस्पति पर ऐसा ही हो, तमगुण प्रधान बृहस्पति पर हो, तो यहाँ भी ऐसा व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता है, तानाशाह स्वभाव का बन जाता है और वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं, केवल अपने मत को ही सही मानता है और दूसरों के मत की केवल आलोचना करता है, तो यहाँ एक समस्या भी बन जाती है। अब यदि तमगुण प्रधान सूर्य पर कमल का चिन्ह हो तो इसमें क्या होगा? अगर सत्वगुण प्रधान हो तो यहां ये ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य स्वभाव का होता है, ऐसा व्यक्ति राजसी सुख भोगता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति होता है। लेकिन सूर्य में रजगुण विशेष रूप से प्रधान और शुभ माना गया है, तो रजगुण प्रधान हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा नेता, बड़ा अभिनेता, बड़ा कलाकार, चमत्कारिक आकर्षण रखने वाला, वक्तव्य शैली कमाल की, साहस भी कमाल का, तो हर प्रकार से अद्भुत उन्नति पाने वाला होता है। यदि आपको यहां दिखाई दे किसी के कमल का चिन्ह, तो यह व्यक्ति यदि व्यापारी है तो अद्भुत रूप से व्यापार में उन्नति करेगा, यदि ये वैज्ञानिक है तो विज्ञान में अद्भुत उन्नति करेगा, यदि ये इंजीनियर है तो इसकी इंजीनियरिंग में उन्नति बहुत अद्भुत होगी, और निश्चित रूप से यह धन संग्रह का इच्छुक तो होगा ही, बुध धन का बहुत इच्छुक रहता है, तो बुध में यदि ऐसा व्यक्ति धन बहुत कमा लेता है इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात करते हैं किसी के मंगल पर आपको दिखाई दे कमल का चिन्ह, तो मंगल पर ऐसा चिन्ह इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, साहस के संबंधित कार्य जैसे कि स्काई डाइविंग वगैरह, ऐसे ऐसे कार्यों में बहुत अच्छा नाम और कीर्ति प्राप्त करता है। लेकिन साथ ही केतु क्योंकि मंगल क्योंकि भूमि का कारक होता है, तो भूमि से खूब यश और धन की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार से ये निश्चित रूप से बहुत शुभ है। यहाँ भी अगर कमल का चिन्ह आपको किसी व्यक्ति के राहु नक्षत्र में दिखाई दे तो ये बहुत ज़्यादा धन, अचानक धन ऐसे लोगों को बहुत मिल जाता है, कभी कभी तो छिपे हुए धन ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत अधिक धनिक होते हैं। जहाँ मैं कमल की बात कर रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कमल के ये जो चिन्ह मैंने दिखाए हैं ये ज़्यादा सिमिलर हैं, यहाँ जल्दी जल्दी मैंने कुछ अलग तरह से बनाए हैं, तो ये जो चिन्ह हैं ज़्यादा सिमिलर हैं, तो आपको बिल्कुल कमल जैसा ही प्रतीत होना चाहिए। कभी कभी केवल एक ही पंखुड़ी बहुत बड़ी आपको कमल की दिखाई देती है, उसे आप एक पत्ते की तरह रेकमेंड करिए, उसे आप एक लीफ का चिन्ह मानकर ही बस कहेंगे। तो कमल का चिन्ह निश्चित रूप से हाथ में कहीं भी हो शुभ होता है, लेकिन तब यदि आपका पर्वत सत्व या रजगुण प्रधान हो, यदि वो तमोगुण प्रधान हो तो यह बहुत अधिक शुभ नहीं होगा, फिर शुभ चिन्ह भी किसी खास फल देने वाले नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।